और इतना करना है कि लोग हमें पागल दीवाना मजनू कहेंगे। मेरे मुर्शिद करीब से किसी ने पूछा ये रिवायत सही सिद्दीकी साहब से आई। वो रिवायत फरमाते हैं कि मुर्शिद पाक से किसी ने पूछा कि सरकार हुजूर का क्या मकाम, हुजूर का क्या मकाम। तो इरशाद होता है कि तुम हुजूर का मकाम मर्तबा को क्या जानो, हुजूर के मकाम मर्तबा को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान सकता। लेकिन इतना समझ लो तुम्हारी अकल के लिए, तुम्हारे इल्म के लिए, कि जहाँ शायद शरीयत के 40 कामिल मुसलमान जमा हुए, उनकी जितनी रूहानियत होती है वो एक मोमिन के दर्जे के बराबर होती है। जहाँ 40 मोमिन जमा हुआ उनकी रूहानियत एक विलायत अखना वाले के दर्जे के बराबर शुरू होती है। जहाँ 40 विलायत अखना वाले जमा हुआ वहाँ से एक विलायत मुस्तक आकर शुरू होती है। जहाँ 40 विलायत गुस्ता वाले जमा हो वहाँ एक विलायत कुबरा होश होतुब की ताकत शुरू होती है। जहाँ 40 विलायत कुबरा वाले जमा हो वहाँ एक आशिक अल्लाह की ताकत शुरू होती है। जहाँ 40 आशिक अल्लाह जमा हो जाए वहाँ से एक नबी की ताकत शुरू होती है। जहाँ 40 नबी जमा हो वहाँ एक रसूल की ताकत शुरू होती है। जहाँ 40 रसूल जमा हो जाए वहाँ एक रसूल उलुल अज़्म की ताकत शुरू होती है। और जहाँ तमाम कायनात का सर झुक जाए वहाँ हुजूर की नाले में जाता है। हुजूर को कौन जान सकता है, हुजूर को कौन समझ सकता है, हुजूर की क्या बात है। हम तराजू लेकर शुरू हो जाते हैं कि आपका मकाम ये है, हुजूर नूर है, हुजूर बशर है। खुदा की कसम सरकार ने तो हमें तालीम फरमाई इस नूर और बशर की झगड़ों को छोड़ते हुए उसके सराहने गाए जाए, उसके पर दुरूद शरीफ पढ़े जाओ, उसके नगमे गाए जाओ, खुदा की कसम फिर देखो कि सरकार किस तरह नवाजते हैं। आइए सरकार के नगमे गाए, सरकार के गीत गाए और अपने दिलों को काबा बनाते हुए अपने सीने को मदीना बनाए। गुजारिश शुरू में जा रहा कि बाय का सर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।